So what are you expecting from the movie? I'm expecting a lot. The trailer was amazing, so I think the performances in the film are going to be exceptional, and so I'm looking forward to the movie. Okay, so any upcoming project you're coming with? Yeah, I'm doing this movie, Sonu Ke Titu Ki Sweetie, which is with the director of Pyar Ka Panchnama, Lev Ranjan sir, and so I'm again collaborating with the same team of Panchnama, and end of this year, most probably the film is going to release, and uska already title announcement video aap logo ne dekha hoga. तो वही फिल्म है, कॉमेडी है, ड्रामा है, सो लेट्स सी हाउ इट गोज. द इंडी स्पीक बिग थ्री फिल्म्स इज रिलीजिंग पार्टीशन, वीआईपी 2 एंड बर्ली की बर्फी 2. सो डू यू थिंक द इट विल अफेक्ट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बिकॉज़ ऑफ द थ्री फिल्म क्लैशिंग इन द वन टाइम? नहीं, आई थिंक बहुत सारे क्लैशेस, अभी तो फ्राइडेज कम रह गए हैं, हमारी फिल्में बहुत ज्यादा है, तो क्लैशेस तो होने ही है, एंड बट अच्छी बात यह है कि हर किसी का जॉनर अलग है, तो ऑडियंस अलग होगी, और फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन होते हैं, तीनों दिन अलग अलग फिल्में देखने का मौका सबको मिलेगा. फिल्में अच्छी हों तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस भी अच्छे होंगे, एंड इस साल थोड़ा सा और बड़े कलेक्शंस आ जाएं अभी, यू नो, सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दीज फिल्म, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड या देखिए, वो तो आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा, बट आई एम श्योर कि जो भी डिसीजंस हुए हैं वो काफ़ी सोच समझ के हुए हैं, सो हम लोग को इन द इंडस्ट्री हम लोग को वेलकमिंग रहना चाहिए, एंड आई थिंक वी आर रियली हैप्पी विद द विद व्हाट एवर इज हैपनिंग, एंड आई थिंक फ्रीडम मिलेगा काफ़ी फिल्मों के जो कट्स बहुत ज़्यादा जो हो रहे थे, आई थिंक लोगों को लग रहा है कि कम होगा इस बार, एंड होपफुली इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्री. Thank you so much. Thank you.